हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आपका फिर से एक बार स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस तोमर व्लॉग में। और आप सबको गणेश चतुर्थी की और तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, गणेश जी भगवान आप सबके विघ्न हरें और आने वाला साल आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रसाद बनाने से। लेकिन उससे पहले मैं जिस भी बर्तन में प्रसाद बना रही हूँ उस बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें नॉर्मल खाना भी बनता है। तो एक बार जो है मैं कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डिश वॉश जो होता है हमारा विम, वो डाल के और नींबू डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। फिर इसको मैं अच्छे से रगड़ के कढ़ाई को साफ़ करके तब इसके अंदर मैं प्रसाद की तैयारी करूँगी। तो देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो मैंने साफ़ कर ली और एकदम से साफ़ हो गई। हाँ, जो मेरा ट्राईपॉड है ना वो थोड़ा हिल रहा है, उसका स्क्रू लूज़ हो गया, तो उसकी वजह से अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। बट स्टिल मैंने मैनेज कर लिया था। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने डाला थोड़ा सा घी और नारियल का बुरादा। आज जो है मैं ओरियो के जो मोदक होते हैं वो बना रही हूँ। बहुत सिंपल होते हैं, इजी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल के बुरादे को हल्का सा घी के अंदर 2 मिनट के लिए उसको रोस्ट किया है, ताकि उसका कच्चा जो फ्लेवर है वो निकल जाए। और बस उसके बाद जो बिस्किट होते हैं उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो मैंने अलग कर लिया, और क्रीम जो है मैंने अलग कर ली। क्रीम के अंदर जो नारियल का बुरादा था वो मैं मिक्स कर लूँगी, और ये जो पाउडर है इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक आटा लगा लूँगी। और ये करने के बाद ये देखिए हमारा जो आटा है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया और लेके जो मोल्ड है उसके तीनों पार्ट में अलग अलग लगाया है। अगर आप मोल्ड बंद करके लगाएंगे तो वो अच्छे से लगेगा नहीं, तो मैंने तीनों पार्ट पे अलग अलग लगाया ताकि एक इक्वल लेयर बन जाए। तो यहाँ पे तीनों पार्ट में लगा के फिर मैं इसको बंद कर लूँगी, और तब उसके बाद मैं इसके अंदर की जो स्टफिंग, क्रीम और नारियल की स्टफिंग है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगी। अगर आपको लगता है कि बाहर वाली जो लेयर है वो थोड़ी फीकी फीकी या डार्क चॉकलेट होती है, तो आप इसमें हल्का सा मीठा बूरा जो होती है आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने उसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि अंदर की क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, बस उसके अंदर मैंने हल्का सा मीठा डाला था। तो यहाँ पे जो क्रीम है उसको और नारियल की फिलिंग को मैं भर के और बाहर से उसको दोबारा से चॉकलेट की लेयर से सील कर रही हूँ। और बस सिंपल सा है, बहुत इजी है, जल्दी बन जाते हैं ये वाले मोदक। पिछले साल जो है मैंने मावे के बनाए थे, तो इस साल मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये देखिए भगवान के लिए मैंने अलग से सबसे पहले उनके लिए मोदक बना के अलग से रख लिए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। इजी हैं, सिंपल हैं, कोई भी बना सकता है, ज़्यादा इसमें मेहनत का भी काम नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ता नहीं, एक्चुअली ये लंच ही था हमारा, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी काम हो जाता है और बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने और विक्की ने एक साथ लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कर लिया था। तो यहाँ पे हैं आलू के पराठे, बना रही हूँ मैं लंच में, और आई होप आप लोगों को आलू के पराठे अच्छे लग रहे होंगे देखने में। मतलब मैं टेस्ट भी बहुत अच्छा था, यकीन मानिए। आलू, प्याज, थोड़ी सी धनिया मिर्ची डाल के और बस तैयार है हमारे आलू के पराठे। और दही के साथ या लस्सी, अचार के साथ हम, या टमाटर प्याज की चटनी के साथ, जैसे भी अच्छे लगते हैं वैसे आप लोग इंजॉय करिए। हम लोगों ने यहाँ पे दही के साथ पराठों को इंजॉय। तो यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो पूजा में जो है मैंने मोदक का भोग लगाया है, साथ में जो है सेब का भोग लगाया है। सेब जो होती है वो लक्ष्मी जी का फ्रूट होता है, तो यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी हम दोनों को पूज रहे हैं। यानी कि सेब रखने का मतलब होता है कि आप लक्ष्मी जी को अपने घर में इन्वाइट कर रहे हैं, और मोदक तो गणेश जी के फेवरेट हैं ही, तो हमने दोनों का भोग लगाया है। अब यहाँ पे तोमर साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं पूजा की। और पूजा करते हुए हुआ क्या कि वरुष्का वैसे ही थोड़ा सा परेशान कर रही थी, लेकिन जब हमने आंखें बंद करी तो वो डर गई कि मम्मी पापा ने, दोनों ने आंखें बंद क्यों कर ली हैं। तो थोड़ा सा मुझे बीच में उसे ना इधर उधर घुमाना पड़ रहा था, बस ये एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था। और बच्ची है, उसे नहीं समझ आता कि भाई क्यों मम्मी पापा, देखो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो बार बार मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। देखिए कितना डर गई। और फिर आईज क्लोज कैसे करते हैं, आईज क्लोज कैसे करते हैं भगवान जी को नमस्ते करते हुए। साइकिल दिखाई दे रही है, है ना? सही नहीं लग रहा? अरे जब साइकिल नीचे उतारनी हो तो सीढ़ियों से ना उतारनी पड़े ना, तो अपना ऊपर डोरी से टांगी और नीचे पुली टाइप जो होता है ना। हाँ, कितना दिमाग लगाते हैं लोग। आपको लेना है कुछ?
आ जाओ फिर उधर से चलो। हेलो कर दो, नमस्ते भी कर दो। चलो नमस्ते करो अंकल को, नमस्ते करो, हेलो कर दो, ऐसे हाय कर बाय। ठीक है चलो, कुछ लेना आपको? मुझे नहीं खाना, मैंने कल क्या बोला था याद मत दिला करो यार, तुम फिर क्रेविंग्स होते हैं, यहाँ पे पेट हो रखा है गोलगप्पे जैसा। मतलब मैं और थोड़ा सा फुला लेता हूँ इसको। कल ही बोला था मैंने कि मुझे मत ये फास्ट फूड के बारे में याद दिला करो। फास्ट फूड को छोड़ो, कल जो बड़ा पाव खाया वो, तभी बोला था बड़ा पाव खा के कि बस आज हो गया, आज के बाद मत बोलना मुझे कि ये खा ले वो खा ले। लेके तुम, और मैंने नहीं खाया बड़ा पाव, तुम खा के आए थे, तुम लेके आए थे अपने लिए, मैंने तुमको कभी मना किया था, तुमसे वो झिला नहीं, तुमसे खाया नहीं गया, तो बचा कुछ फिर मैंने खाया। कैसे करना, हमारी बेटी की तो सुन लो, ये कुछ कह रही है। हाँ जी बोलो, आपको क्या चाहिए? आते जाते पांच छह पूछी थे ऐसे दे देते हम वापस। हाँ छी है, आप कम दिस साइड बैठो। पापा का पनीर छीन लिया आपने, लाओ देखो। नहीं आप खुद पकड़ोगे। ओके कितना कमेरा बच्चा है मेरा, भाई मेरे कमेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चे। आज खाने में बन रहा है पुलाव। पुलाव में है प्याज, टमाटर, कॉर्न, मटर और ये है सोयाबीन, देसी घी, देसी घी में जीरे का तड़का, और फिर हम यूज करेंगे ब्राउन राइस। तोमर साहब की फरमाइश आज ब्राउन राइस के साथ जो है हमें बनाने हैं पुलाव। तो चलिए पुलाव बनाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे डिनर करने के बाद मैं विकी की थोड़ी जंपी कर रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ बालों में, और सामने आप देखोगे कि वरुष्का मुझे कॉपी कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं तेल लगा रही हूँ वैसे ही वो दूसरी बॉटल से, सील्ड बॉटल थी तो उसे लग रहा है उसमें से भी तेल निकल रहा है, और वो भी अपने सिर पे अपने आप ही अपनी मालिश कर रही है। तो बस इतना था हमारा व्लॉग आज का, और रात को सोने से पहले आज हम मूवी देख रहे हैं लूट के, बहुत अच्छी मूवी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बहुत मतलब एक सिंपल सी फैमिली रिलेटेड मूवी है, तो देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको भी सब्सक्राइब।